हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम वीडियो रे डिस्कशन करिबा 10 मई 2021 रो किछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स उपरे। तो फ्रेंड्स, ए वीडियो टी समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम एवं समस्त टीचर ओरिएंटेड एग्जाम पाई मोस्ट हेल्पफुल रहिबो। तो फ्रेंड्स, जदि वीडियो टी भल लागे ताले निहाती बा गोटे लाइक करिवे एवं अधिकरु अधिक मात्रा रे कृपया संग साथ मानकु शेयर करिवे। तो फ्रेंड्स, ए वीडियो रे आमे आज डिस्कशन करिबा आज रो टॉप 10 करंट अफेयर्स उपरे। ता पूर्वर आमे देखनेबा कालिर दुटी क्विज रो करेक्ट आंसर कोन रहिछि एवं वीडियो टी शेष पर्यंत देखिबे शेषे दुईट क्विज रो करेक्ट आंसर कौन हम निहाती भाव कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणाई पारिबे। तो 9 मे 2021 रो कालीर जो क्विज थिला, फर्स्ट क्विज थिला हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया रो वर्तमान प्रेसिडेंट किए अछंती, तो करेक्ट आंसर होची ज्ञानेंद्र निगमबाम। नेक्स्ट क्वेश्चन थिला आपन पई हु इज द विनर ऑफ 2021 पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स। 2021 पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स रो विनर किए, तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सॉरी करेक्ट आंसर होची लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन। तो देखने बा आज टॉप 10 करंट अफेयर्स उपरे प्रथम क्वेश्चन रही, फर्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। तो रिसेंटली आप मैंने जानते इलेक्शन चली, तो चारोटी स्टेट रे इलेक्शन है, चारोटी नुआ सीएम बनी। तो मु ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी, तो एबे आमर प्रश्न रही आसाम रो नुआ मुख्यमंत्री किए निजुक्ति हेले। तो आसाम रो नुआ मुख्यमंत्री बनले वर्तमान हिमंत बिश्व शर्मा। तो आसाम रे जो इलेक्शन है से बीजेपी पार्टी रो विजय है। तो यह पूर्व बीजेपी रही जने लीडर थे सर्वानंद सोनोवाल से थिले, किंतु वर्तमान बीजेपी सरकार अन्य जने बीजेपी लीडर को वर्तमान मुख्यमंत्री करछंती हिमंत बिश्व शर्मा। रिसेंटली नुआ मुख्यमंत्री हेले आसाम रो। तो देखो बाकी इंपोर्टेंट रहिबो, बाकी ऑप्शन मध्ये समस्त इंपोर्टेंट रहिबो। तो देखो एन रंगास्वामी मु या पूर्व कही सारी, ये होंगे आमर यूनियन टेरिटोरी पुदुचेरी रो नुआ चीफ मिनिस्टर बनिले। आउ एम के स्टालिन ये होंगे तमिलनाडु रो डीएमके टीम रु, डीएमके पॉलिटिकल पार्टी रु तमिलनाडु पई सीएम, तमिलनाडु नुआ सीएम होंगे एम के स्टालिन। ताकर जो पार्टी ना होची डीएमके पार्टी। आ ममता बनर्जी वर्तमान तृतीय थर पाई से वेस्ट बेंगल रो सीएम बनिले, वेस्ट बेंगल रो सीएम बनिले। आउ एबे वर्तमान हिमंत बिश्व शर्मा आमर आसाम रो सीएम बनी। तो आसाम विषय किसी एक्स्ट्रा पॉइंट जाने रखा, आसाम रो कैपिटल होची दिसपुर, तार सीएम हेगले हिमंत बिश्व शर्मा, तार गवर्नर अच्छा जगदीश मुखी। आउ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क कहिबा ताले पांचटी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क रही, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जहाँ कि आमर एकसिंगा गंडा पाई, एकसिंगा गंडा बा वन हंड राइनोसॉर्स पाई फेमस रही। आउ काजीरंगा नेशनल पार्क, तापरे मानस नेशनल पार्क, तापरे नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, आउ दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, पांचटी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क रही। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। रिसेंटली क्यों राज्य सरकार मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को लॉन्च करी, तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी मध्यप्रदेश। तो मध्यप्रदेश विषय किसी जाने रखु, मध्यप्रदेश कैपिटल होची भोपाल, तार सीएम अच्छा शिवराज सिंह चौहान, तार गवर्नर अच्छा आनंदी बेन पटेल। आउ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क कहवा ताले आठटी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क रही, तो देखु पाना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, आउ बन विहार नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स यूनिट ऑफ आयुर्वेदा व्यासपीठ हैज लॉन्च्ड एन आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑन कॉल सर्विस। रिसेंटली क्यों राज्यर आयुर्वेदा व्यासपीठ यूनिट रिसेंटली गोटाए आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑन कॉल सर्विस को लॉन्च करी, तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए गुजरात। तो गुजरात विषय आम कि एक्स्ट्रा पॉइंट जाने रखा, गुजरात रो सीएम होचंती विजय भाई रूपाणी, तार गवर्नर अच्छा आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत तार गवर्नर वर्तमान अछंती। आउ तार कैपिटल होची गांधीनगर,
गांधीनगर हूँ तार कैपिटल। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क कहिबा ताहले इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हूँ गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जहाँकि एशियाटिक लायन पाई फेमस रही एग्जाम रे यही क्वेश्चन टा बहुत बार रिपीट होती एशियाटिक लायन पाई फेमस हो गिर फॉरेस्ट और गिर फॉरेस्ट गुजरात रे अवस्थित। तो गिर फॉरेस्ट रही ब्लैकबक नेशनल पार्क रही रही मेरीन नेशनल पार्क रही बंसदा नेशनल पार्क रही बंसदा मेरीन ब्लैकबक एंड गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर फोर विच कंट्रीज आरियाना साबालेंका हैज ओन द मैड्रिड ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो रिसेंटली क्यों देशर आरियाना साबालेंका प्रथम थर पाई से मैड्रिड ओपन को विन करिसेंती। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी बेलारूस। तो एक्चुअली क्वेश्चन टारे आपमन को दुईटा क्वेश्चन रो कॉम्बिनेशन मिलला तो मु एमिति भी क्वेश्चन बनै पारि थांती हु हैज ओन 2021 मैड्रिड ओपन ओमेन्स सिंगल टाइटल 2021। तो मु कोन करती ना 2021 मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट रो ओमेन्स सिंगल रो विजेता किए। तो ये होचे आपमनकर किए ना आरियाना साबालेंका एमिति भी हे पारे आ आपन को स्टेट से को कंट्री बिलोंग करछन एग्जाम रे मे भी आसी पारे कोन आपन क्वेश्चन आसीबो ना आरियाना साबालेंका बिलोंग्स टू बेलारूस हिज रिलेटेड विथ स्पोर्ट्स को खेल सहित संपर्कित तो टेनिस प्लेयर से जो टेनिस प्लेयर टेनिस सहित संपर्कित को कंट्री रु बिलोंग करछंती बेलारूस रु बिलोंग करछंती। तो को 2021 रो मैड्रिड ओपन किए विन करछंती तो आरियाना साबालेंका विन करछंती। तो ए तीनटा पॉइंट आपन आसी पारे को कंट्री रु आ को टूर्नामेंट जितिले आ से को खेल सहित जड़ित ये तीन टा ऑप्शन ऊपर आपन क्वेश्चन आसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज ओन द मैड्रिड ओपन 2021 से ओमेन्स सिंगल वर्तमान यहाँ हूँ मेन्स सिंगल टाइटल। मेन्स सिंगल टाइटल रे पुरुष एकल वर्ग रे मैड्रिड ओपन 2021 विनर किए। तो करेक्ट आंसर हूँ अलेक्जेंडर जेवरेव। क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ शेष नारायण सिंह हु हैज पास्ड अवे। तो रिसेंटली शेष नारायण सिंह नामक जन व्यक्ति मृत्यु घटी तो तांकर प्रोफेशन कौन थिला तांकर पेशा कौन थिला। तो करेक्ट आंसर होची ही वाज ए जर्नालिस्ट से जने जर्नालिस्ट थिले। क्वेश्चन नंबर सेवेन हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाइंबर टू क्लाइम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट 25 टाइम्स। तो देखु किए रिसेंटली विश्वर नंबर वन विश्वर प्रथम पर्वत आरोही जी कि विश्वर सबुठ उच्चतम श्रृंग माउंट एवरेस्ट को 25 थर से आरोहण कर 25 थर से माउंट एवरेस्ट को चढ़ी से होंगे प्रथम पर्वतारोही होती किए ना कामीरिता शेर्पा फ्रॉम नेपाल से माउंट एवरेस्ट को 25 थर आरोहण कर। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा बिस्ला हैज रिसेंटली क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स सी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो सीमा बिस्ला रिसेंटली क्वालिफाई करछंती हमर ओलंपिक टोकियो ओलंपिक पे रिसेंटली सीमा बिस्ला क्वालिफाई करछंती तो से केऊ खेल सहित संपर्कित। तो सीमा बिस्ला होछंती जणे महिला रेसलर से जणे कुश्ती योद्धा। तो देखंतु वर्तमान हमर टोकियो ओलंपिक हेबा को जाउची तो सेथिपाई वर्तमान चारि जण इंडियन ओमेन रेसलर सेथिरे क्वालिफाई करछंती। तो ये हूँ आमर कौन जे सीमा बिस्ला ये हूँ वर्तमान 50 kg कैटेगोरी रे से क्वालिफाई कर 53 kg रे आमर विनेश फोगाट आ 57 कैटेगोरी रे अंशु मल्लिक आ 62 कैटेगोरी रे सोनम मल्लिक 62 केजी रे सोनम मल्लिक 57 केजी अंशु मल्लिक आ 53 केजी विनेश फोगाट आ 50 केजी रे सीमा बिस्ला यही चारिटी कैटेगोरी रे यही चारि जण इंडियन महिला वर्तमान टोकियो ओलंपिक पई क्वालिफाई करिसेंती। क्वेश्चन नंबर 9
व्हिच एक्ट्रेस हैज रिटन द बुक टाइटल्ड एलिफेंट इन द टॉम इन द ओम्ब सॉरी ओम्ब तो रिसेंटली गोटे पुस्तक लिखा जाइछि एलिफेंट इन द ओम्ब तो यही पुस्तक लेखक किए कौ एक्ट्रेस कोई कौ अभिनेत्री यही पुस्तक को लिखिछन्ति तो करेक्ट आंसर होछि कल्की क्वेचलिन कल्की क्वेचलिन आप देखिथे से बॉलीवुड अभिनेत्री बॉलीवुड आमर कलयुग नाम गोटे फिल्म आसला कलयुग नाम गोटे फिल्म आसला से फिल्म से अभिनय करते कल्की क्वेचलिन रिसेंटली गोटे पुस्तक लिखिंट एलिफेंट इन द ओम्ब क्वेश्चन नंबर 10 आज लास्ट क्वेश्चन हु हैज ओन द प्रेस्टिजियस शेख जायद बुक अवार्ड फॉर हर बुक अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन तो रिसेंटली गोटे पुस्तक जहाँ ना रही अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन यही पुस्तक क्या शेख जायद बुक 2021 विजेता घोषणा करागला तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी ताहेरा कुतुबुद्दीन ताहेरा ताहेरा कुतुबुद्दीन तो फ्रेंड्स ये आज टॉप 10 करंट अफेयर्स तो आपण मैं दुईटी क्विज रही तार आंसर कमेंट बॉक्स रे निहत भाव जनइबे आदि भिडियो भल लगे हृदय गोटे गोटे लाइक करेंगे निहत भाव एवं अधिकारू अधिक मात्रा में कृपया सांगसाथी मैं सेयार करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द करेन्ट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया तो वर्तमान आम देशर विदेश सचिव किए अच्छा फॉरेन सेक्रेटरी कहीपे कि एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी कहीपे तो फॉरेन सेक्रेटरी वर्तमान किए अच्छा कौन हम करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में निहित भाव जनइबे नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द करेन्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट तो ये खाली मेन रही है तो ये एक्चुअली मुझे मिस कर दीजिए यहाँ तो करेन्ट चेयरमैन हुज करेन्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट तो नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट जहाँ को शॉर्टकट रे कहुए एनसीएससी वर्तमान चेयरमैन किए अच्छा कौन हम करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स रे निहत भाव जनइबे जदि भिडियो भल लगे तो निहत भाव गोटे गोटे लाइक करेंगे और अधिकारू अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक सेयार करेंगे तो फ्रेंड जय हिंद जय जगन्नाथ।